अपना ख्याल रखिएगा और फोन जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज बेटा। साहिर चौधरी। Have a nice flight. Thank you. Economy class. सर आपका टिकट इकोनॉमी में ही बुक है। चेक अगेन। सॉरी सर इकोनॉमी में ही बुक्ड है। तो अपग्रेड कर दीजिए। सॉरी सर फ्लाइट इज फुल। लिंडा तुमने मेरी टिकट इकोनॉमी क्लास में बुक करवाई है। यस सर। आप ही ने तो कहा था कि आपको ऑक्शन में हर कॉस्ट पे पहुंचना है। इकोनॉमी अवेलेबल थी सर मैंने करवा दी। लिंडा तुम में जरा सी अकल है या नहीं? मैडम इसे आप नहीं ले जा सकती। बाजी सुइयां ही तो है। ये भी अलाउड नहीं है। अल्लाह नोज हम तो सोच रहे थे कि बैठे बैठे अखबार बिछाकर नाखून ही काट लेंगे। सॉरी लिंडा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाउ डेयर यू यू ये लाइन। दादी हम सिक्योरिटी की लाइन में हैं। नहीं कोई हमारी इमली नहीं खा रहा। आपसे बात क्यों करवाएं? आप उनसे कहेंगे हमारा ख्याल रखें। अल्लाह नोस आप दुनिया की सबसे क्यूट दादी हैं। अल्लाह हाफिज। और ये पेपर स्प्रे इसे भी नहीं ले जा सकती हैं आप। अल्लाह और फ्लाइट में कोई बदमाश मिल गया तो? आप जानती नहीं है दुनिया कितनी खराब है कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सॉरी मैम ये सब चीजें आप नहीं ले जा सकती हैं। इन सब चीजों को उठाकर उस डस्टबिन में डाल दीजिए। एक बार मुझे ऑफिस पहुंचने तो आज कोई नहीं बचेगा। I'll blast the whole place. जागरूक हो नागरिक तो देश रहे सुरक्षित। क्या आप जागरूक नागरिक हैं? सुनिए जी कहिए। वो जो आप पीछे आदमी देख रहे हैं ना धीरे से जो फोन पे बात कर रहा है दाढ़ी वाला। हाँ वही वो इस जगह को बम से उड़ाने की बात कर रहा है। क्या कह रही हैं आप? जी हमने अपने कानों से सुना है। ओके मैं देखता हूँ। बी रेडी। एक्सक्यूज मी कॉल यू बैक। सर हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। किस बारे में? चलिए हम बताते हैं। इनका बैग ले लो। चलिए वाह आरजू खान उस मुल्क की सरहद को कोई छू भी नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हो आरजू खान। इस टेररिस्ट की तो हमने चरस बोली।
माफ कीजिएगा, पर ये विंडो सीट किसकी है? मुझे क्या पता। Excuse me. Sorry. जी दादी। हाँ आरजू, बेटा बैठ गई? जी बैठ गई, पर बीच वाली सीट मिली है। अरे अल्लाह, ये भी कोई सीट होती है बेटा? अरे खिड़की वाली सीट में बैठना। अरे वहीं से तो नजारे दिखाई देंगे। कहते हैं कि जब बादलों में से जहाज एरोप्लेन निकलता है ना, तो क्या खूबसूरत मंजर होता है बेटा। अरे हमारी सास, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत बख्शे, उनका बस चलता ना तो लखनऊ के हर रिक्शा में विंडो सीट लगवा देती और वहीं बैठती। बैठ जा बेटा, बैठ जा। पर दादी, ये सीट किसी और साहब की है। अरे किसी और साहब की है तो क्या हुआ बेटा? साहब से गुजारिश कर देना। अरे कहना हम पहली बार जा रहे हैं एरोप्लेन से और नजारे देखना चाहते हैं, हमें खिड़की पास बैठने दीजिए। बैठ जाओ बेटा। अरे बैठ जाओ ना। जी अभी बैठते हैं। हाँ दादी। खुदा हाफिज बेटा, अल्लाह तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। खूब खुश रहो। खुदा हाफिज। बच्चे को सही सलामत रखना, सब खुशियां देना, सब मुरादें पूरी करना। अल्लाह नूज, हमें ये सीट कितनी पसंद है। अल्लाह मियाँ, हम दो रकात नमाज शुक्रान पढ़ेंगे, अगर ये सीट वाला या तो लेट हो जाए या फिर आ ही ना पाए। अल्लाह नोज, जाने कौन होगा जो इस सीट पे बैठेगा। देखिए, किसी ने जरूर कोई मजाक किया है। हर टेररिस्ट यही बोलता है। आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। मेरा नाम साहिर चौधरी है। तैयारा ब्रांड का नाम सुना है आपने? नहीं। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जहां मेरा वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है, सो प्लीज स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम। साहिर साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? तिवारी जी, इन जनाब को लगता है कि मैं एक टेररिस्ट हूं और मैं इस फ्लाइट को उड़ाने वाला हूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जानते हो कौन है? अरे सीएम से लेके पीएम तक सबके कपड़े इन्हीं के यहाँ डिजाइन होते हैं। अब तुम इन्हें जाने दोगे या मैं एविएशन मिनिस्टर को फोन करूं? सॉरी सर, मुझे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। सॉरी सर। चलिए साहिर साहब, हम फ्लाइट में बैठकर बातें करें। तिवारी जी, दरअसल मेरी सेक्रेटरी ने मेरी टिकट इकोनॉमी क्लास में बनवा दी है। चलिए, आज आप भी आम नागरिक की तरह यात्रा का आनंद उठाइए। थैंक यू। लखनऊ से मुंबई की ड्रीम्स एयरलाइंस की इस फ्लाइट में आप सभी यात्रियों का स्वागत है। अब से कुछ ही देर में हमारा विमान लखनऊ हवाई अड्डे से मुंबई के लिए उड़ान भरेगा। आप सभी यात्रियों से निवेदन है कि कुर्सी की पेटियां इस प्रकार से बांध लें, अपनी कुर्सी सीधी रखकर खिड़कियों के शटर्स खोल दें, अपने मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स इत्यादि को स्विच ऑफ कर दें। आशा है आपकी लखनऊ से मुंबई की ये यात्रा मंगलमय हो। एक्सक्यूज मी। आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। फिलहाल तो मैं अपना लगेज रख रहा हूं। हाँ, इसके बाद आपको इग्नोर करना शुरू करूंगा। हमने कौन सी आपसे दोनों किडनियां मांग ली हैं? थोड़ा सा हट जाएंगे तो एयर होस्टेस को देख लेंगे ना हम। माना कि आप अपना लगेज रख रहे हैं, पर ये बात आप पोलाइट होकर भी बोल सकते हैं ना। तुम थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी हो सकती हो ना। हमने
कौन सी बेवकूफी वाली बात कर दी है? हेलो, आप हमें इग्नोर कर रहे हैं? हमारी बात का जवाब दीजिए। मैं सिर्फ उन लोगों से बात करता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। And I don't like you. हम कोई FB का स्टेटस है जो लाइक करते फिरेंगे? क्या लाइन बोली है लड़की ने? अकड़ू कहीं का। क्या कहा तुमने? आहा, आप बड़ी जल्दी सुन गया। आप क्यों नहीं इग्नोर कर रहे? देखो, मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। बाहर देख रहे हैं, उसके बाद इग्नोर करेंगे। मियाँ की जूती मियाँ के सर। अप्पी, एक बार फिर से कर देंगी? इनकी वजह से हमारा निकल गया था। तुम सर, प्लीज टेक योर सीट। उठो। क्यों उठे? जिसकी सीट है जब वो आएंगे तब उठेंगे। ये मेरी सीट है। देखिए, हम पहली बार बाहर जा रहे हैं, प्लीज हमें विंडो सीट पे बैठने दीजिए। नहीं। देखिए, हमने जो भी किया है उसके लिए हम सॉरी मांग रहे हैं। सॉरी बोलते हैं, मांगते नहीं। लखनऊ में तो सॉरी मांगते हैं। प्लीज, आप तो कितनी बार विंडो सीट पे बैठे होंगे, हमें बैठने दीजिए ना प्लीज। नहीं। आइए बैठिए अपने तख्त ताउस पर। क्या कहा? कुछ नहीं, आइए। लिंडा की तो खैर नहीं। उठिए। आप प्लीज ये खाना बंद करोगे? क्यों ना खाएं? क्योंकि मुझे अजीब लग रहा है इसलिए। तो ये क्या कर रही हो? बाहर देख रहे हैं। विंडो सीट आपकी है, पर विंडो तो हम तीनों की है ना? तुम ऐसे देखना बंद करो। या तो आप हमें ये सीट दे दीजिए, वरना हम पूरे रास्ते ऐसे ही देखते रहेंगे। ऐसे मत देखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो हमें और गुस्सा आएगा, और अगर हमें और गुस्सा आया तो हम और इमली खाएंगे, और अगर हम और इमली खाएंगे तो आपको और अजीब सा लगेगा। अब क्या हुआ? उल्टी आ रही है, कहाँ करें? रहने दीजिए, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। उल्टी का पक्का थोड़ी है कि कब आएगी। अब ये लिफाफा लेकर भिखारी की तरह बैठे रहे क्या? अल्लाह नोज, अगर ये विंडो सीट मिलती ना तो उल्टी के चांसेस कम थे, पर इसमें तो आपने अपना नाम लिख दिया है। आप अपनी लॉन्ड्री का बिल ना हमें भिजवा दीजिएगा। क्यों? उल्टी आ रही है ना, कहीं भी गिर सकती है।
एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी सीट चेंज करनी है। सॉरी सर, बट द फ्लाइट इज फुल। देखिए, मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा लेकिन इस उल्टी करने वाली के साथ नहीं बैठूंगा। उल्टी करने वाले किसे कह रहे हैं? हमारा नाम आरजू खान है। देखिए, अगर आपके पास कोई दवाई हो जिससे उल्टी ना हो तो प्लीज लाके दीजिए। हम एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाते। इमामबाड़े के पास डॉक्टर यूनिस होम्योपैथ है, सिर्फ उनकी दवाइयाँ खाते हैं। और डॉक्टर यूनिस होम्योपैथ की दवाई तो नहीं मिलेगी यहाँ पर? और एलोपैथिक दवाइयाँ हम खाएंगे नहीं। प्लीज पूछिए किसी से, अगर किसी के पास होम्योपैथिक दवाई हो उल्टी रोकने की तो लाके दीजिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे किसी के पास होम्योपैथिक मेडिसिन है जो वॉमिटिंग रोक सके? सॉरी सर। अगर तुम विंडो सीट पर बैठोगी तो उल्टी नहीं करोगी? बिल्कुल भी नहीं। प्लीज आइए। एक्सक्यूज मी, प्लीज। हम चरस बोने पर आते हैं ना, तो ऐसी बोते हैं कि बंदा शहर छोड़ दे। ये तो फिर भी विंडो सीट थी, दादी सुनेगी तो कितना हंसेगी। आपको हमारे मुस्कुराने पे एतराज तो नहीं है ना? या अल्लाह, मेरी बेटी पहली बार अकेले हवाई जहाज में जा रही है, बस उसके जहाज को खैरियत के साथ जमीन पर वापस उतार लेना, तेरा बड़ा करम होगा। या अल्लाह, मेरी सास को करवट करवट जन्नत बख्शो। वो कहा करती थी, हवाओं के ऊपर जिन्नातों का बसेरा होता है। मेरी आरजू के जहाज की टक्कर जिन्नातों के बसेरे से मत करना। अल्लाह मियां, अप्पी को तो आपने मुंबई भेज दिया, अब हमें भी जल्दी से मुंबई दिखा दीजिए ना प्लीज। बस अप्पी हमें जल्दी से मुंबई बुला ले। यात्रियों से अनुरोध है कि बाहर मौसम थोड़ा खराब है, कृपया आप अपनी सीट पेटियां बांध लें और अपने स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद। अलानोज, हम अभी मरना नहीं चाहते। सॉरी, वो हमें उड़ने से डर लगता है। तो फ्लाइट में क्यों बैठे? अगर नहीं बैठते तो कैसे पता चलता? Use this. उन्होंने फ्लाइट की टिकट क्यों करवाई? ट्रेन की करवा देते, बस की करवा देते, 4-5 दिन में ही सही जिंदा मुंबई तो पहुंच जाते। हमने तो अभी तक लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है, धूम 3 भी आधी देखी है। अल्लाह नोज, कहीं हमारे आखिरी पल तो नहीं? कहीं किसी जिंदा इंसान के साथ हमारी आखिरी कन्वर्सेशन तो नहीं? अल्लाह, कितने सारे राज हमारे साथ ही दफन हो जाएंगे। नहीं, इतने सारे राज के साथ हम नहीं मर सकते। हमारी पड़ोसन है ना सलमा आंटी, पिछले जुम्मे हमारे लिए शाही टुकड़े लेकर आई थी। वो हमने बिल्ली को खिला दिया और उनसे कह दिया कि बेहतरीन बने थे। रोहिणी की जब वी मेट की डीवीडी हमसे टूट गई थी और हमने उसे नहीं बताया था। जब भी हमारी अम्मी डायलिसिस के लिए जाती हैं तो हम पीला दुपट्टा पहनते हैं, वो ना हमारा गुड लक चार्म है। हमारा ख्वाब था कि हम अपनी अम्मी और बहनों को नया घर खरीद कर देंगे, अब सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे।
बड़े कमाल के इंसान हैं। आखिरी पल में भी आपके पास कोई राज नहीं है बताने के लिए। अब उल्टी नहीं आ रही तुम्हें? बहाना था ना।